मंत्रियों ने इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए पूरी जी जान लगा दी। मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विक्रम राठौर ने। इन्वेस्टर समिट अभी भी खत्म हुई है जिस पर हमसे बात करने के लिए मंत्री रीता बहुगुणा जी मौजूद है। मैम, बड़ा इवेंट था, बहुत से इन्वेस्टर्स आए, एमओयू भी साइन हुए, बहुत कुछ हुआ, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? देश के बड़े से बड़े उद्योगपति और छोटे से छोटे निवेशक यहाँ सभी थे। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें निवेश के लिए एमओयू साइन ना हुए हों, वो चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे वो हमारे उद्योग हो, पर्यटन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में हमारे साथ ये अनुबंध हुए हैं। और 4,28,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था जब हमने प्रारंभ किया था कि इतना विश्वास योगी जी और उनके नेतृत्व ने और मोदी जी के सहयोग ने जागृत किया है। 4,00,000 करोड़ का और भी इन्वेस्टमेंट पेंडिंग है, लोगों ने ऑफर्स दिए हैं, प्रस्ताव दिए हैं जिन पर हम लोग विचार करेंगे। जैसे सबने कहा ये तो प्रारंभ है, प्रथम कदम है, लेकिन प्रथम कदम इतना मजबूत है कि इसको हमें अब तेजी से क्रियान्वित करना है। मैं यही कह सकती हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक साल अपना कार्यकाल लगभग पूरा किया है, जिसमें कानून व्यवस्था को सुधारने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का, बिजली में बहुत विशेष जो है अंतर लाकर उससे उसको बेहतर बनाने का, और जो सुविधाएं हम देने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंतर्गत ये जो इन्वेस्टर मीट है बहुत ही सफल मीट है, अनप्रेसिडेंटेड है। और सभी कह रहे हैं कि इतनी अच्छी और इतनी वेल अटेंडेड इन्वेस्टर्स मीट तो शायद ही किसी राज्य में हुई हो। तो योगी सरकार मेगा काम करने में विश्वास करती है, रोजगार आएगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी, पलायन रुकेगा, देश हमारा प्रदेश खुशहाल होगा और साथ ही साथ देश को भी आगे ले जाएगा, जैसी मनोकामना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है। मैम, पर्यटन विभाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, भगवान मेहमान जो है भगवान के स्वरूप कहे जाते हैं, इन्वेस्टर समिट में भी इस चीज को बकायदे देखा गया, बकायदे सामने सभी मेहमानों के रखा गया, पर्यटन विभाग के लिए अगर बात करी जाए तो किस तरीके से और आगे चीजें हो? पर्यटन नीति आई है, बड़ी सराहना हुई है उसकी, जितने भी निवेशक आए थे सबने कहा कि इतनी अच्छी पर्यटन नीति किसी राज्य की नहीं है। हम उसमें लैंड एक जमीन की भी व्यवस्था कर रहे हैं, लैंड बैंक बना रहे हैं, हम उसमें सब्सिडी दे रहे हैं, उसमें हम बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं, फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स जिनको लेकर पर्यटक यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में लोग निवेश कर सकते हैं। बड़ी संख्या में आपने देखा कि एक हमारे साथ निवेश हुए हैं, 10,000 करोड़ का निवेश तो कोरियन फर्म ने किया, उसके बियॉन्ड भी मैं सोचती हूँ 20,000 करोड़ हमने क्रॉस किया होगा। लेकिन अब इन एमओयूज को जमीन पे लाना है, उसके लिए जो हमने वादे किए हैं कि हम पारदर्शी व्यवस्था देंगे, क्विक डिस्पोजल करेंगे एप्लीकेशंस का, निवेश के लिए वातावरण बनाएंगे, जमीन पर उतारेंगे, उस काम में हम लगेंगे। देखिए, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन है, और विश्व में बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो सिर्फ धार्मिक पर्यटन के माध्यम से ही अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। तो हमारे पास तो इतनी बड़ी संपदा है, राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, बौद्ध की भूमि है, हमारे पास भोलेनाथ की भूमि है, इन सबको बढ़ावा देना है। हम लोगों ने इसीलिए अपने जो हमारे रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्धा सर्किट और हमने कई और सर्किट जोड़े हैं, हमने अब हम लोगों ने पुरुष क्षेत्र का सर्किट बनाया है, हम लोग इसी के साथ साथ एक शक्तिपीठ सर्किट, सूफी सर्किट, कबीर सर्किट, बहुत सारे सर्किट्स बना रहे हैं। तो ये तो धरती है ही है इस प्रकार की, और फिर हमारे पास इतिहास का इतना धरोहर है, चाहे वो हमारा बुंदेलखंड हो जहाँ गूंजता है वीरता का इतिहास, फिर चाहे हमारे अलग अलग फोर्ट्स हो, चुनार का फोर्ट हो, इलाहाबाद का फोर्ट हो, हमारा आगरा का फोर्ट हो और किला हो, और फिर ताजमहल जिसके लिए सब तो कहते हैं कि जो उसको देखता है उसे प्यार कर बैठता है। तो हमारे पास इतना है, इको टूरिज्म देखिए तो हमारा जो दुधवा फॉरेस्ट है वो बहुत रिच है, बहुत ही समृद्ध है, और अगर देखा जाए तो जिम कॉर्बेट से भी ज्यादा वहां पर हमारे पास वन्य जीवन है। तो इन सबको बढ़ावा देंगे, कल्चरल टूरिज्म को, आर्टिस्टिक टूरिज्म को, अब हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, इतने से लेके इतने तक सारा टूरिज्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये थी मंत्री रीता बहुगुणा जी, जिनका साफ ये कहना था कि जो इन्वेस्टर समिट हुई है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक मील का पत्थर साबित होगी, और इन्वेस्टर समिट में जो भी इन्वेस्टर्स आए हैं उन्होंने ये चीज बिल्कुल साफ करी है कि उत्तर प्रदेश में अब संभावनाएं बहुत है। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।